बुंदेलखंड भले ही अच्छे पर्यावरण के मामले में बहुत पीछे है, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी सीन आंखों के सामने घूमने लगती हैं बुंदेलखंड के नाम पर, लेकिन यहाँ के किसानों में अपनी मेहनत और तजुर्बे पर बहुत गर्व है। इसी के बल पर वह मानसून गर्म होने के बावजूद भी ठंडी जलवायु की सब्जी और फल उगाना शुरू कर दिए हैं। अब बुंदेलखंड बदल चुका है। सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये असंभव काम को किसानों ने आसान कर दिया है और अच्छी पैदावार करके लाभ ले रहे हैं। इस पर हमने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, जिसमें से 3 ऐसे किसान हैं जो अपने साथ साथ और भी किसानों को इस तरह की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन किसान भाइयों से हमारी ये खास पेशकश के साथ। फल है वाटर एप्पल, जो बांग्लादेश और थाईलैंड में होता है, तो मैंने वहाँ से कुछ पौधा उसका प्रयोग के लिए मंगाया कि अपने यहाँ फल आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें 4-5 पौधा मैं लगाया अपने यहाँ, लेकिन ये तीसरा वर्ष था, काफ़ी अच्छा फल आया था। लगभग एक में 50 से 60 किलो फल आया था और काफ़ी टेस्टी भी था और देखने में भी सुंदर था, उसकी मार्केट वैल्यू भी ठीक थी। ये पौधा वाटर एप्पल का ऐसा पौधा है, इसके लिए पानी बहुत कम चाहिए, कम पानी में इसकी खेती हो जाती है और अच्छी पैदावार तीसरे साल से मिलने लगता है। एमए की है मैंने इकोनॉमिक्स से, वो मैंने बहुत काफ़ी प्रयास भी किया है कि जॉब लग जाए, कहीं सरकारी जॉब नहीं मिली, प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई किया, प्राइवेट जॉब नहीं मिली। फिर इसके मन में मेरे विचार आया कि जे किया जाए, कुछ नया किया जाए ताकि मेरा कुछ जीवन यापन चल जाए। तो मेरे विचार में आया कि जे मशरूम लगा मुझे ऐसा, तो मैंने इसको करना स्टार्ट किया है, तो ताकि ये अलग भी है और अपने यहाँ पर कोई कर नहीं रहा था, और इसमें खर्चा तो है ही है थोड़ा, और बेनिफिट्स में ज़्यादा रहती है, कम जगह है, ज़्यादा जगह की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें छोटी सी जगह में हो जाता है। कहाँ से सीखा है आपने? जी मैंने पूरी ट्रेनिंग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली है, मैंने 1 साल का सर्टिफिकेट किया है, डिप्लोमा किया है मैंने, और अपने कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ से भी मैंने 1 महीने का सर्टिफिकेट किया है। कितने कमा लिए हैं इसमें? अभी तो मैंने कुछ नहीं कमाया है इसमें, इसका चालू हुई है इसमें, अब इसका स्टार्ट हो गया है बिकना, अब इसकी 2 लाख कॉस्ट वो बने आएगी मुनाफा, तब जोड़ा जाएगा क्या इसमें बेनिफिट है। आपने कितनी लागत लगाई है इसमें? इसमें मैंने लगभग पूरा जो मेरा सेट है पूरी लागत मिला के मैंने 30-32 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर चुका हूँ। कितने में किए हैं जी? अपना 15x30 फुट की झोपड़ी बनाई है मैंने। इसमें किस तरह से देख रेख की जाती है? देख रेख को इसकी 24 घंटे देख रेख की जाती है ताकि कोई फंगस है, फंगस वगैरह ना आ जाए इसमें, क्योंकि फंगस का बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसको साफ सफाई पूरी तरह से रखनी पड़ती है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होना चाहिए अपने रूम में, तो इसको 24 घंटे देख रेख रहती है हमारी। तो मैं इसमें सुबह भी देख रेख करता हूँ, शाम के भी देख रेख करता ही रहता हूँ। इसका बीज कहाँ से लाए थे? बीज ग्वालियर से मंगवाया था मैंने, इंदौर भी मिल जाता है, और इसका और कितने रुपए का आया था जी? आधा 120 केजी, 120 रुपए 1 किलो का, और 110 का भी मिल जाता है स्पॉन। इसका कितने दिन में तैयार हो जाती है जी फसल? लगभग कंपोस्ट बनने के 1 महीने बाद तैयार हो जाती है, लगभग अपन 2 माह ले सकते, 2 महीने बाद इसको अपन बेचने चालू हो जाता बेचना। किस तरह से करते हैं इसमें, किस तरह की विधि बताएं थोड़ी? इसको ये गेहूं का भूसा होता है, गेहूं का भूसा और भी फर्टिलाइजर उसके साथ में डलते हैं, तो उसको मैं पहले कंपोस्ट तैयार करता हूं, गेहूं का भूसा ले लेते हैं, सिंगल सुपरफास्ट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, पोटाश है, जे इसका एक वो बनता है पूरा,
तो उसको मैं पहले भूसा को गीला किया जाता है, भूसा को गीला करने के बाद उसको फिर इसकी ढेरी बनाई जाती है। ढेरी बनाने के बाद उसको 3-4 दिन के हफ्ते से उसको पलटाई की जाती है। पलटाई करने के बाद ऐसे इसका विधि कम से कम 28 दिन की रहती है, जो 28 दिन बनने के बाद ये कंपोस्ट रेडी हो जाता है। इसके बाद इसमें स्पॉनिंग की जाती है, वो स्पॉनिंग करने के बाद 10-12 दिन बाद इसका जो स्पॉन होता है, स्पॉन रन हो जाता है। और जैसे ही स्पॉन रन हो जाता है तो उसमें हम केसिंग मिट्टी कर देते हैं ऐसी। ये देखिए इसमें मैंने ये केसिंग मिट्टी कर दी है। अब जिसमें माइसीरियम आ रहा है थोड़ा, तो इसको ऐसे किया जाता है। फिर 1-1.5 हफ्ते बाद ये निकलने लगता है मशरूम। आगे चल कर क्या करेंगे? आगे चल के मैं और भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी 1 हट है, मैं 1-2 हट और करना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसमें और भी बेनिफिट हो सके मुझे। मैंने मौसमी और आपका बादाम, नींबू है और शरीफा, लगभग सबसे शुरुआत में मैंने यूकेलिप्टस करीब 11,000 पेड़ लगवा दिए, जो फाउंडेशन का भी मेरे काम कर रहे हैं और लकड़ी भी तैयार हो रही है। सागौन भी लगवाए। वृक्षारोपण का मुझे एक अपना एक शौक था, मैंने वहाँ काफ़ी लगवाया और जिसमें इस साल उसमें फल भी आए हुए हैं आपके बादाम में, आप मौके में वहाँ गई हैं, देखी हैं। तो ये सब जो फल है, जो पेड़ है, पौधे कहाँ से आप लाएँ? देखिए मैं तो अभी जैसे मैंने एक मुखी रुद्राक्ष का मैं सिलीगुड़ी गया था, तो मैं सिलीगुड़ी से लेके आया। बाकी एक मेरे पाणे जी मित्र हैं, पौधशाला है उनके इलाहाबाद में, मैं उन्हें ऑर्डर करता हूँ और वो बेहतरीन तरीके से मुझे ला करके पेड़ देते हैं, जिनको मैं सीजन के हिसाब से वो मुझे डायरेक्शन भी देते हैं कि इनको इनको कब ज़मीन में प्लांट करना है, हिसाब से मैं प्लांट करता हूँ। मैं जितने भी हमारे जनपद चित्रकूट के किसान हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि देखिए फल फूल का जो है वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है। एक तो हमारा क्लाइमेट अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, दूसरी चीज़ उससे हमें आमद होगी। प्लांटेशन तो बहुत आवश्यक है कि आप प्लांट करो फल फूल वाले पौधे, कुछ लकड़ी वाले पौधे, जिनसे कम से कम हमारी आमदनी बढ़े, ये बहुत आवश्यक है। देखिए मजदूर भी कम मिल रहे हैं हर जगह, अगर हमारे पास ज़्यादा खेती है तो मजदूरों से ही हो सकती है, कम खेती है तो हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबको ये प्रेरणा देनी चाहिए और सब लोग प्रचार प्रसार, आपके माध्यम से भी प्रचार प्रसार होना चाहिए कि लोग फल वाले वृक्ष लगाए, जिससे कम से कम हमारा चित्रकूट भी समृद्धशाली बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।